सो हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले कैसे अपने Xiaomi Redmi 12 5G के भाई आफ्टर 4 डेज के बारे में। सो गाइस, आज भाई मैं इसका आपको भाई रिव्यू बताने वाला हूं और भाई बता दूंगा गाइस आपको भाई ये फ़ोन भाई गेमिंग के लिए खासकर भाई परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और गाइस मैं वैसे आपको थोड़ी बहुत भाई प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा भाई, ठीक है, जो मुझे भाई फेस करने को मिली भाई 4 दिन के अंदर। सो गाइस, वीडियो भाई काफ़ी ज़्यादा भाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई वीडियो को एंड तक भाई जरूर वॉच करना भाई, ठीक है भाई। कोई भी भाई इन्फो आपको मिस नहीं करनी है, याद से भाई इन्फो देख लेना। तो गाइस करते हैं भाई वीडियो को स्टार्ट। भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई प्लीज़ भाई वीडियो को पैसा लाइक कर देना, और भाई चाहे आप चैनल पर नहीं आया तो प्लीज़ भाई याद से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको भाई ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलो गाइस करते हैं गाइस अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस आपको भाई इस फ़ोन के अंदर भाई दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे गाइस, एक गाइस हमारा भाई 4G होने वाला है, एक गाइस हमारा 5G होने वाला है। और गाइस जो भाई हमारा 4G वाला वेरिएंट है ना, उसे तो भाई बिल्कुल भाई सोच के मत लेना, उसमें भाई आपको भाई काफ़ी ज़्यादा भाई प्रॉब्लम फेस करने को मिली भाई गेमिंग के लिए। और आप सबको पता है भाई जो उसमें गाइस हमारा भाई चिपसेट है, भाई प्रोसेसर है, वो गाइस हमारा भाई हीलियो का भाई G88 है, जो गाइस आपको नहीं पता भाई 12 NM का है, काफ़ी ज़्यादा भाई बेकार प्रोसेसर है भाई गेमिंग के लिए, ठीक है। मतलब भाई अगर गाइस आप भाई रिकॉर्डिंग वगैरह में खेलोगे ना भाई, आप बिल्कुल भाई खेला नहीं जाएगा, और भाई काफ़ी ज़्यादा गाइस आपका भाई गेम भाई लैग होगा, ठीक है भाई पहली बता रहा हूँ। और अगर आप भाई नॉर्मली भी खेलोगे ना भाई, उसका भाई जो जायरोस्कोप है ना भाई काफ़ी ज़्यादा भाई बेकार करेगा भाई, मत लेना बिल्कुल भी, पहली बता रहा हूँ 4G वाला। तो गाइस आपको भाई मैं 5G वाले की बात बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो गाइस आपको भाई 5G वाले वेरिएंट के अंदर भाई 40 FPS की भाई गेमिंग देखने को मिल जाएगा, चाहे भाई आप कोई सा भी गेम खेल लो, भाई फ्री फायर खेल लो, COD मोबाइल खेल लो, BGMI खेल लो, PUBG मोबाइल खेल लो, ठीक है भाई जो सर आपको भाई गेम खेलना है उसमें गाइस आप भाई 40 FPS की भाई गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि भाई इसमें गाइस आपको भाई Snapdragon का 4th Gen 2 का भाई प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो गाइस हमारा भाई 4 NM का है। और भाई बात करें इसके Antutu स्कोर की, तो गाइस आपको भाई 4,37,000 का भाई देखने को मिल जाता है, तो भाई ठीक ठाक Antutu स्कोर है। और गाइस मैक्सिमम गाइस में गाइस आप भाई HD में हाई, यानी कि भाई HD में 30 FPS की भाई गेमिंग कर सकते हो। और भाई अगर आप भाई HD में भाई 30 FPS की भाई गेमिंग करोगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा भाई अगर आप भाई एक दो मैच खेलोगे रैंगल के, तो गाइस आपका फ़ोन भाई काफ़ी ज़्यादा भाई हीट हो जाएगा, और भाई काफ़ी ज़्यादा भाई आपको भाई लैग फेस करने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो भाई ये तो भाई इसी मेरी भाई मैक्स ग्राफिक्स के बाद मैं कहीं बात रहे भाई स्मूथ प्लस अल्ट्रा, यानी कि भाई 40 FPS की। तो गाइस जब आप भाई 40 FPS के अंदर खेलोगे तो गाइस आपको भाई नॉर्मली भाई लैग वगैरह तो भाई फेस करने को नहीं मिलेगा, बट भाई अगर आप भाई रिकॉर्डिंग वगैरह में खेलोगे तो गाइस आपको भाई डेफिनेटली भाई लैग देखने को मिलेगा। जब भाई होल्ड ड्रॉप करोगे भाई आप, ठीक है भाई बंदे वगैरह आपके आसपास भाई काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो गाइस आपको भाई काफ़ी ज़्यादा भाई लैग फेस करने को मिलेगा भाई इसी डिवाइस के अंदर, ठीक है भाई। उसी के साथ गाइस जब आप भाई रिकॉर्डिंग में जायरोस्कोप वगैरह में खेलते हो भाई इस डिवाइस के अंदर, तो गाइस आपको भाई जायरो डिले देखने को मिल जाएगा। और भाई अगर आप रिकॉर्डिंग में खेलोगे तो भाई पक्का गाइस आपको भाई जायरो डिले जरूर होगा, देख लेना भाई, ठीक है। खेल के आपका रिकॉर्डिंग में भाई आपको बहुत ज़्यादा भाई जायरो डिले होगा, भाई लैग भी करेगा। तो भाई जायरो तो मुझे भाई इस फ़ोन का भाई काफ़ी ज़्यादा भाई बेकार लगा भाई, ठीक है बाकी फ़ोनों के हिसाब से। तो भाई जायरोस्कोप के लिए तो भाई मुझे नहीं लगता भाई ये फ़ोन बना है, बाकी भाई अगर आप बिना जायरो के खेलते हो तो गाइस आप ले सकते हो। उसके बाद भाई बात करें भाई इसमें जो आपको भाई डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो गाइस आपको भाई 6.79 इंचेस की एक LPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो गाइस आपकी भाई 90 Hz के रिफ्रेश रेट पर काम करने वाली है। बात करें भाई इसके डिस्प्ले की, तो गाइस आपको भाई इसमें ठीक ठाक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बट भाई LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, और भाई LCD डिस्प्ले भाई जायरोस्कोप में भी काफ़ी ज़्यादा भाई बेकार वर्क करती है, क्योंकि भाई आपको पता है जब आप भाई जायरोस्कोप वगैरह में खेलते हो, जैसे भाई मैं देखो ऑलवेज ऑन में भी खेल रहा हूँ, जैसे कैसे आप भाई अपने एम वगैरह को भाई थंब से घुमाते हो तो कैसे आपका भाई एम भाई चौक हो जाएगा, और भाई ये आपके भी जो एम वगैरह भाई नहीं घूमेगा एकदम से भाई, ठीक है। मतलब भाई मुझे जो भाई मैं 4 दिन से भाई डिवाइस में भाई खेला, भाई मुझे जो भाई फेस करने को मिली वो कैसे मुझे सबसे ज़्यादा भाई प्रॉब्लम भाई जायरोस्कोप ही देखने को मिला भाई, ठीक है भाई, वो भी भाई स्क्रीन के हिसाब से, क्योंकि भाई अगर भाई इसमें आपकी AMOLED डिस्प्ले होती तो कैसे काफ़ी ज़्यादा भाई आपका भाई ठीक ठाक फिर भाई जायरोस्कोप वर्क कर जाता, बट भाई LCD डिस्प्ले होने की वजह से गाइस आपका भाई जो एम है भाई कभी कभी भाई स्टक हो जाता है भाई जायरोस्कोप के अंदर भाई ऑलवेज ऑन अगर आप खेलते हो तो भाई, ठीक है। जरूर खेल के देखना, आपको भाई समझ में जाएगा भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद भाई बात करें भाई इसमें आपको जो भाई बैटरी देखने को मिलती है, वो गाइस आपको भाई इसमें 5000 mAh की देखने को मिलती है। बात करें भाई इसमें गेमिंग की, तो गाइस आप भाई इसमें भाई 4 घंटे तक भाई गेम खेल सकते हो भाई, ठीक है, बिना रुके कंटिन्यू गेमिंग कर सकते हो भाई 4 घंटे तक। उसके साथ भाई बात करें इसके चार्जर की, तो गाइस आपको भाई इसमें 18W का चार्जर देखने को मिलता है, जो गाइस काफ़ी ज़्यादा भाई आपका वीक चार्जर है भाई, काफ़ी ज़्यादा भाई आपका लेट भाई फ़ोन चार्ज करेगा भाई, ठीक है। तो भाई 1.5 घंटे तो मान लो भाई आपका फ़ोन को भाई चार्ज करने में लग जाएंगे भाई डिवाइस के अंदर। तो गाइस ये रहा भाई, देखो भाई आपका फ़ोन भाई, अगर भाई बात करें भाई इसकी देखो गेमिंग की भाई 4 दिन के बाद, तो गाइस अगर आप भाई जायरोस्कोप वगैरह में खेलते हो तो गाइस मत लेना भाई, ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा भाई बेकार जायरोस्कोप है भाई इसका, वो भी भाई डिस्प्ले के हिसाब से। वहीं गाइस बात करें भाई अगर आपको भाई दूसरे काम के लिए भाई फ़ोन चाहिए तो गाइस आप ले सकते हो,
बैटरी वगैरह काफ़ी भाई ठीक वर्क करती है भाई। इसकी चार्जर वगैरह तो भाई आपको फिर भी भाई कम देखने को मिलता ही है। बाकी भाई गेमिंग के लिए तो भाई मैंने आपको भाई मना कर दिया भाई इस फ़ोन के लिए भाई, ठीक है। तो गाइस बस यही था भाई आज की वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय।